अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ा सा फेस पे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगा ली है और लिपस्टिक काट, बस ये सब हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं आज दीदी के यहाँ, जो कर क्या नहीं जो करवा चौथ का सामान था ना, जो पूजा में मैंने रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ अभी जाती हूँ और दीदी से मिलके आ जाएंगे, रॉबिन से, एंड उनको जो सामान है ना वो देके आ जाएंगे। सो रखा हुआ उनका सूट एंड ये सारा सामान जो रहता है मतलब कपड़े के साथ में। तो अभी हम लोग घर से निकल आए हैं और पहुंच गए हैं नेहरू प्लेस मार्केट, क्योंकि ये है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। सो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा काम है, ये पता नहीं अपना कुछ लेके आए हुए हैं, सो उसको ठीक करवाने के लिए यहाँ लगा दो, ये गाड़ी निकल रही है शायद, ये देखो ना निकल रही है, यहीं पे लगा दो। तो यहाँ काम करवाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे दीदी के घर के लिए। मैं भी अपने मोबाइल में ना टेम्पर्ड लगवा लूँगी, क्योंकि ना वो टूट गया है, जगह जगह से टूट गया है। काफ़ी टाइम से इनको बोल रही थी लगवाना लगवाना, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब सोचा नेहरू प्लेस आए हुए हैं तो यहीं लगवा लेंगे, लग भी जाएगा सही दाम में। सो भाई ये है मार्केट, लंबी लंबी सी बिल्डिंग है एंड ये देखो ऐसे भरी हुई है पार्किंग एरिया। इसका हाथ पकड़ते हैं एंड चलते हैं अंदर, क्योंकि इसके उस तरफ जाना है हमें, तब जाके हमें मार्केट मिलेगा। तो द्रांश को ये घड़ी पसंद आ गई है, घड़ी लेनी है, ये वाली ऊपर चश्मा तो दिखा दो। हाँ ठीक है, वो ब्लैक ही ले लो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए थे वो नहीं हुआ। इसलिए खुश नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में टेम्पर्ड लगवा लिया। ये रुद्रांश की शॉपिंग है, ये देखो ये इसने गाड़ी ले ली अपने लिए, ये चश्मा ले लिया है, एंड मैंने आगे जो टेम्पर्ड था वो लगवा लिया एंड पीछे का कवर भी चेंज कर दिया। इसमें स्पाइडर, अच्छा ये स्पाइडर का। और ये देखो ये वाला जो कवर पहले डला हुआ था ना, इसको हटा दिया है और मैंने नया वाला कवर डलवाया, वो काफी अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। और जिस काम के लिए आए हुए थे और हमको लेके गए थे, इनका काम वो नहीं हुआ है, इसलिए ये थोड़े से सैड बैठे हुए हैं। ये अपना सामान लेके गए हुए थे, उन्होंने उसमें चार्जर फंसाया, आग लग गई उसमें, तो अभी वो फटीक करने का भी अच्छा खासा पैसा ले रहे थे, तो फटीक भी नहीं करवाया, दूसरा खरीद लेना है, दूसरा खरीद लेना। हम लोग इतना ज्यादा घूमे, इतना ज्यादा घूमे, बट हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इनका नहीं हुआ, हमारा तो हो गया। मैं मतलब जो मैं सोच के आई थी वो मेरा हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर, और ना भूख भी बहुत तेज लगाई, हम लोग खाना खा के आए थे, बट एक जगह ना समोसे मिल रहे थे तो ये बोलते समोसे खा लेते हैं, मैंने कहा रहने दो, और फिर अब ना गाड़ी में बैठते से ना भूख लगाई, अब देखते कुछ मिलता है तो खा लेंगे, क्योंकि दीदी तो पता नहीं शायद घर पे तो नहीं होंगी, वो मेडिकल पे ही होंगी। ये है यमुना नदी, आता है आपको देखना कितने बजे हैं। सो यमुना क्रॉस करते से ही ना नोएडा स्टार्ट हो जाता है, और ये नोएडा की बिल्डिंगें दिखना स्टार्ट हो जाती है। नोएडा हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं, थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं, ये देखो कितनी भयंकर आग जल रही है, ये आधा किलो। रास्ते से ही थोड़ी बहुत खरीदारी कर ली, ये देखो पीछे कुछ घर के लिए सब्जियां ले लिए, फ्रूट ले लिए, क्योंकि रास्ते में चलते हैं हमको सब्जी मंडी एंड कद्दू 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 नहीं नहीं गिरेगा वो, रास्ते में हमको सब्जी मंडी एंड फ्रूट मंडी दिख गई थी, तो हमने रास्ते से ही सामान ले लिया घर के लिए। और रास्ते में ना भुट्टे दिख गए, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था ना, तो हम लोगों ने सोचा भुट्टे ही बनवा लेते हैं, सो दीदी को भी लेते चलेंगे एंड हम भी खा लेंगे। सो वहाँ पे मैंने बोल दिया है 5 भुट्टे बोल दिए हैं, 3 हमको दीदी को और दिया 5 सिंगे सिंगे। हाँ भुट्टे हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी, ये देखो अंकल ने सेक दिए हैं, पहुँच गए हम दीदी के मेडिकल पे, अंदर चलते हैं, दीदी अंदर ही हैं शायद। छाछ पी रही है दोनों की, क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो, मजा आ गया छाछ पीने में, मजा आ गया। देखो पतिदेव के भोजन हो रहे हैं, आलू की सब्जी एंड पूड़ी।
सो गाइस हम लोग दीदी के घर पहुंच गए एंड काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब पहले तो हम लोग गए आए हुए थे ना, तो पहले मेडिकल पे गए, फिर वहाँ से दीदी के साथ में आए और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, मतलब खाना दीदी ने बनाया, फिर हम लोगों ने खाना खाया। अभी हम बैठे हुए हैं क्योंकि दीदी खाना बना के चली गई हैं, क्योंकि वो आती हैं शाम के टाइम में खाना बना के फिर चली जाती हैं। तो ये गए हुए हैं दीदी को अभी मेडिकल पर छोड़ने के लिए। पूरे रूम में इस तरीके से फैला रखा है और दोनों की चल रही है बहुत तगड़ी वाली मस्ती। और पापा जी भी आ गए हैं, मतलब जो रॉबिन के दादाजी हैं ना वो भी यहीं पर थे। सो रॉबिन शाम में मतलब उनके साथ में रहता है। सो पापा जी अंदर बैठे हुए हैं, मैं हूँ और ये दोनों बच्चे हैं जिनको मुझे देख रहे हैं। पापा जी टीवी देख रहे हैं। ये दोनों देखो देखो कैसे गाड़ी पे बैठा हुआ है ये देखो। अरे 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 लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा। ओ भैया को चोट लग गई। यहाँ फू कर दो हेड पे, यहाँ यहाँ ताता हो गई, फू कर दो। बहुत जोर से ताता हो गई, फू कर दो। यहाँ आपको कहाँ होती है हेड में ताता? आपको यहाँ होती है? हाँ भैया को हो गई, भैया को फू कर दो, फू कर दो भैया को। यहाँ यहाँ हेड में हो गई भैया को। मामा कहाँ है मामा? ओ मामा गई पापा के पास रॉबिन को छोड़ के दादू के पास है। कम यार कम गाड़ी पे बैठ के घूमेंगे। कम 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 सिट। ए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोटा है ना बेबी। हाँ देखो ओ, ओ, ओ। देखो 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 दोनों बैठ गए। यहाँ बैठ जाओ इस गाड़ी पे, पीछे बैठ जाओ यहाँ। भैया को पकड़ लो। ए वेरी गुड, चलो 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 पकड़ो भैया को, टाइट टाइट पकड़ो भैया को। दोनों बच्चे लगे हुए हैं खेलने में अपने में, ये देखो दोनों को एक जैसे ही टॉय चाहिए रहता है। बच्चों का रहता है ना एक ही टॉय से खेलना रहता है। अगर रुद्रांश की गाड़ी ले लेता है और रॉबिन बोलिया रहता है तो नहीं, जिससे जिससे रुद्रांश को खेला उसी से रॉबिन को खेला है। तो बच्चों का रहता है जो चीज़ एक को चाहिए आती वही दूसरे को भी चाहिए रहती है। अच्छा भैया को प्यार कर दो रॉबिन, भैया को प्यार कर दो, प्यार कर दो भैया को, भैया को प्यार कर दो। एक बार बार फ्री शॉपिंग, फ्री शॉपिंग। आई एम फार्मेसी पे फ्री शॉपिंग। सो गाइस टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 12, अभी हम लोग निकलते हैं। दुकान का भी क्लोज करने का टाइम आ गया है क्योंकि दीदी और ने 11 बजे के आसपास क्लोज करती हैं। हमने भी थोड़ा सा सामान ले लिया यहाँ से कुछ ज़रूरत का, अब चलते हैं घर। आओ दीदी आगे जा रही हैं और दांश भी जा रहा है। आ जाओ चलो बाय 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 बाय। एक गाड़ी से बुआ निकलेंगी, एक गाड़ी से फुफाजी। ये देखो हमारा लड़का सो गया है, नींद आ गई इसको क्योंकि उसने आज इतना ज़्यादा खेल लिया ना रॉबिन के साथ ना, काफ़ी थक गया है। और अभी हम लोग भी निकल आए थे तो टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोग पहुँचने वाले हैं घर। आपको भी नींद आ रही है? ये बोल रहे हैं मैं रात भर ड्राइव कर सकता हूँ। अभी